प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वशिष्ठ नारायण पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज चल रहा था। वशिष्ठ नारायण की हाल ही में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। गुरुवार को उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि जिस वक्त उन्हें हॉस्पिटल लाया गया उस समय तक उनका ब्रेन डेड हो चुका था। आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। वह बचपन से ही होनहार छात्र थे। उन्होंने गणित से जुड़े कई फॉर्मूलों पर शोध भी किया। वे पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी उनकी किस्मत चमकी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कैली की नज़र उन पर पड़ी, जिसके बाद वशिष्ठ नारायण 1965 में अमेरिका चले गए और वहीं से 1969 में PhD की और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने नासा में भी काम किया लेकिन मन नहीं लगा और 1971 में भारत लौट आए। पहले IIT कानपुर, फिर बम्बई और फिर IIT कोलकाता में नौकरी की। वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन के सातवें सिद्धांत को चुनौती दी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग के समय जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए, तो कंप्यूटर ठीक होने पर नारायण सिंह और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन एक था।